हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्यून फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग टीन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना सराहा। मैं आपके इस प्रेम और आदर के लिए आप सबों को नमन करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबों की जर्नी पूरी होए और जितनी भी सेवा मैं आपकी कर सकूँ, आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ देम। आइए चलते हैं आज के सब्जेक्ट पर, जो है DF, अपनी कीमत पहचानिए। आज मैंने यह सब्जेक्ट इसलिए लिया क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक दृश्य देखा जिसमें शिव और पार्वती जी की शादी हो रही थी और शिव जी ने पार्वती जी को अपने समकक्ष बैठाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी होने का अधिकार देता हूँ। और यह बात उन्होंने वहाँ समस्त लोगों से कही। तो ये एक दृश्य था, एक दर्शन था, जहाँ पर मैंने ये सोचा कि मैं आज इस विषय पर एक वीडियो बनाऊँ। ये दर्शन 5D का है जिसमें शिव जी ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, वो सारे अधिकार दिए और अपने समकक्ष बैठाया और बहुतों के सामने उन्हें इस रूप में अपनाया। इसे अगर 3D में देखा जाए तो जब आपके ट्विन, आपके DM जब पूरी रीति से अवेकन हो जाते हैं, जब वो आपके पास आते हैं, इस कनेक्शन को पहचानते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन को मानते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर विश्वास करते हैं और स्वयं अपनी ओर से कहते हैं कि हाँ, मैं इस कनेक्शन पर विश्वास करता हूँ कि हम सोल से जुड़े हुए हैं, हम एक ही हैं और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर पूरी रीति से ये तय हो जाता है कि आपके DM जो इस कनेक्शन को मान रहे हैं और इसी के आधार पर एक हारमोनियस यूनियन। DM के साथ कार्मिक है या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस कनेक्शन को माने जो आपके साथ है, इस सोल टू सोल कनेक्शन को पहचाने, उसे मान दे, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को विश्वास करे और इस बात को स्वयं प्रकट करे कि हम दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेरा ट्विन जागृत हो रहा है या उसकी जागृति अब कंप्लीट होने वाली है। आप हमेशा अपने ट्विन के लिए इंतज़ार करती हैं और ये सोचती हैं कि जब वो आएगा तो इस कनेक्शन को स्वीकार करेगा और इस जर्नी को मानेगा। लेकिन जब ट्विन आते हैं तो बहुत से ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं। आप उनकी बातों से पता कर सकते हैं कि उनकी एनर्जी कहाँ पर है और यदि आपको पता चल गया कि उनकी एनर्जी लो है तो आप वहाँ पर उन्हें एनर्जी ना दें, क्योंकि इससे जितनी साधना आपने की है, जितनी एनर्जी आपने सेव की है, वो उनको चली जाएगी। क्योंकि जो DM अवेकन नहीं होते, वो ना तो स्पिरिचुअल बातों को सुनते हैं और ना ही इस कनेक्शन को मानते हैं। वो आएंगे ऑन ऑफ सिचुएशन में और आपको ट्रिगर करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी सिचुएशन बता रही हूँ जिसको ध्यान से सुनिए कि जब आपके पर्सन आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन, जब सेपरेशन चल रहा हो, जब आपका सेपरेशन चल रहा हो तो हम यही कहते हैं कि आपको पूरी रीति से मूव ऑन करने की आवश्यकता है। आप अपने ट्विन को चेस ना करें, DP, फोटो, स्टेटस, मैसेज कहीं पर भी उन्हें ना देखे, खुद पर फोकस करें, अपने क्रिएटिव पार्ट पर वर्क करें और डिवाइन को सरेंडर करें। इससे आपकी एनर्जी सेव होने लगती है और उन तक आपकी एनर्जी नहीं पहुंचती। जब उनको आपकी एनर्जी नहीं मिलती तब वो आपकी ओर रुख करते हैं। सेकंड सिचुएशन, जब सेपरेशन के बाद
आपका रीयूनियन होता है और आपके पर्सन, आपके ट्विन आपके सामने आते हैं, उस वक्त आप चेक कीजिए कि उनकी एनर्जी कहाँ है। अगर वो मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं, यदि वो कार्मिक्स की ही बातें करते हैं या फिर फिजिकली बातें करते हैं, तो समझ जाइए कि अभी भी उनकी चेतना लोअर चक्रास में है और वो वहीं पर डील कर रहे हैं, और वहाँ से उनको निकालने के लिए आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, उनसे कुछ दूरी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप उनसे भाग रहे हैं या उनका सामना नहीं कर रहे, आप उनका सामना करिए। यदि वो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करिए, मिलिए, लेकिन एक दूरी बनाकर, एक सीमा रेखा के अंदर और बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करिए। क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ये होता है कि जब रीयूनियन होता है और आपके डीएम वापस आते हैं, तो उनकी विचारधारा यही रहती है कि मेरी डीएफ तो मेरी है और जो कुछ मैं डिमांड करूँगा वो उसे मानेगी। लेकिन यहाँ पर उसे नहीं मालूम होता कि शक्ति ने साधना की है इसलिए उनको आना पड़ा है। और जब आप उनकी इस नीड को, उनकी इस डिमांड को मना करते हैं, तो यहाँ पर उनको पता चल जाता है कि अब ये बदल चुकी है। जैसे पहले मैंने इसको छोड़ा था, उस वक्त वो वीक थी, बात बात पर रोती थी, अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझती थी, जो हमेशा उसका सहारा लेती थी, वो आज बदल गई है। और यहाँ पर उन्हें ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो 3D की जो डिमांड करते हैं आप उसे मना करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल रीति से बातें करनी हैं। इसमें आपका ईगो या एटीट्यूड नहीं झलकना चाहिए, क्योंकि आपका ट्विन आपको मिरर करता है। अगर आप ईगो में होंगे तो वो भी ईगो में होगा। इसलिए समान रीति से बात कीजिए और यहाँ पर आपका पावर दिखना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो उनको दिखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब उनको पता चल जाता है कि इसका रूप पूरी रीति से बदल चुका है, जैसे मैं उसको छोड़कर गया था अब वो वैसी नहीं रही, ये अलग ही पावर में दिख रही है, ये ग्रेसफुल हो गई है, उस दिन वो सम्मान, वो आदर, वो प्यार, वो अधिकार वो आपको देंगे। मैंने बहुत से DF से सुना है कि वो कहते हैं कि हमारे DM हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको उस रेस्पेक्ट को अपने DM से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो आपको खुद में उत्पन्न करना होगा। वो रेस्पेक्ट आपको स्वयं खुद की ओर से देना पड़ेगा। जब आप अपनी कीमत को पहचानेंगे, तभी आपके ट्विन आपकी कीमत को पहचानेंगे। आप नहीं जानती कि आप कितनी पावरफुल हैं। आप ब्रह्मांड की वो एनर्जी है जो अगर अपने रियल फॉर्म में आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। लेकिन आप बहुत इमोशनल होती है और आप सही रीति से DM के दिमाग को पढ़ नहीं पाती। अगर आपको पता चल गया कि DM क्या सोच रहे हैं या क्या चाहते हैं, उस वक्त आपको सारी सिचुएशन पता चल जाएगी कि मुझे कैसे आगे कदम बढ़ाना है, कौन सा एक्शन लेना है। तो वहाँ पर आपको स्वयं अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए खुद की रेस्पेक्ट करनी होगी। DM के दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि DF उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, क्योंकि उन्होंने वैसा प्राप्त किया है, इसीलिए वो इस प्रकार की उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पूरी रीति से अवेयरनेस में रहना चाहिए कि आप खुद पर काम करके जो एनर्जी आपने सेव की है उसको बचा कर रखें, क्योंकि आपका पर्सन अवेकन नहीं है। आप यदि उनसे इमोशनली जुड़ती हैं, आपका प्यार, आपका केयर, आपकी मनी या फिजिकल डिमांड, जो भी, यहाँ से आपकी पूरी एनर्जी उनको चली जाती है। तो यहाँ पर हम यही कहते हैं कि आपको खुद की पहचान बनानी है। जब आप खुद की पहचान बनाएंगे, अपने रियल फॉर्म में आएंगे, शक्ति स्वरूपा जो आपका रियल फॉर्म है, जब इस रूप में आएंगे,
तो आपके डीएम को आपका यह रूप दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने हमेशा उनको एक आदत डाली थी कि जब भी वो आपकी डिमांड करते थे आप अवेलेबल रहते थे। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी कीमत खुद पहचाननी है, तभी आपका पर्सन आपकी कीमत को पहचान पाएगा। यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने पर्सन को, अपने ट्विन को पूरी रीति से जागृत करवाने के लिए आपको खुद से अपनी एनर्जी उनको देनी छोड़नी होगी। यदि आप नॉर्मल रूप से उनसे बात करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, अपनी क्रिएटिव पार्ट पर कार्य करते हैं, तो ऐसे में आपका शिव शक्ति बैलेंस रहेगा और वहाँ पर डीएम भी बैलेंस ही रहेंगे, क्योंकि उस वक्त तक उनको पता चल चुका होगा कि आपका रूप बदल चुका है और आपका ग्रेस कुछ अलग है, तो वहाँ पर वो भी स्वयं को बदला हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप स्वयं पर कार्य करते जाते हैं, आपकी चेतना बढ़ती जाती है, आपके पर्सन की भी चेतना बढ़ती जाती है, उसके बाद जब वो आएंगे तो आपके बीच स्पिरिचुअल बातें होंगी और यहाँ से आप समझ जाना कि आप दोनों की एनर्जी ऊपर फ्लो हो रही है और यहाँ पर आप दोनों अवेयरनेस में हैं। थर्ड सिचुएशन ये है कि जब आप एक दूसरे के साथ यूनियन में हैं, आपका कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये लगता है कि आपका पर्सन अवेकन नहीं है और वो 3D की बातें ही करता है। यहाँ पर इसलिए क्योंकि आप दोनों यदि हर रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं या एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो होता यह है कि आपकी एनर्जी उनको मिल जाती है, चाहे आप कितनी भी साधना मेडिटेशन करें, आपकी एनर्जी वो ले जाते हैं। तो यहाँ पर जब तक उन्हें आपकी एनर्जी मिलती रहेगी वो अवेकन नहीं हो पाएंगे, इसीलिए एक दूरी बनानी पड़ती है, एक दायरा तय करना पड़ता है कि आखिर उन्हें कितनी एनर्जी दी जाए, कितना बात किया जाए उनसे, कितना उनको फेस किया जाए। तो यहाँ पर जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे वो पूरी रीति से जागृत नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आप उनसे बातें करें, मिले, लेकिन एक दायरे में रहकर नॉर्मल रीति से, ताकि आपकी एनर्जी उनको ज़्यादा ना मिल सके। यदि आप अपने क्रिएटिव पार्ट पर काम करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, तो यही होगा कि आप तो अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कर लेंगे और साथ ही आपका पर्सन भी आपको बैलेंस ही दिखाई देगा, क्योंकि जो पूरा गेम है वो शिव शक्ति का ही है। कुछ DF अपने DM की डिमांड इसलिए मानती है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वो थर्ड पार्टी में ना चला जाए या उन्हें छोड़ कर ना चला जाए। ये आपका फियर है, क्योंकि यदि आपका फियर है तो आप लो वाइब्रेशन में हैं, आप लोअर चक्रा से डील कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपको फेथ है, आपको विश्वास है कि जो आपका है उसको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, तो आपको इन बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि चाहे आप एनर्जी दे या ना दे, एक समय आता है जब आपका शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाता है और आपका पर्सन भाग जाता है। इसलिए यहाँ पर आवश्यकता ये है कि आप अपने शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, अपने जितने भी वूंड है, ब्लॉकेजेस हैं, इन पर काम कीजिए, इनको हील कीजिए, तभी आपका पर्सन बैलेंस हो पाएगा और आपके समकक्ष खड़ा हो पाएगा। डिवाइन ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जब DM और DF सेम एनर्जी में आ जाते हैं तब उनका रियूनियन हो जाता है। इसीलिए जब आपके पर्सन चले जाते हैं तो आपको इनर वर्क करने की सलाह दी जाती है, और जब आप इनर वर्क करके खुद को कंप्लीट कर लेते हैं, खुद को हील कर लेते हैं, तो उस वक्त आपके पर्सन आ जाते हैं। ऐसा मत कहिए कि वो कभी नहीं आते, वो आएंगे तभी जब आप खुद पर काम करेंगे। आपकी तपस्या, आपकी साधना यदि सच्ची है, उसमें ईमानदारी है, तभी आपकी साधना पूरी होगी और डिवाइन आपके DM को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे।
क्योंकि डीएम आते हैं, इस बात को याद रखिए, लेकिन वो तभी आते हैं जब आपने खुद पर काम किया हो, उस आधार पर वो आपके सामने टिकेंगे। यदि वहाँ पर आपके अंदर डिज़ायर आ जाए या आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाए तो वो आया हुआ इंसान भी चला जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि चाहे वो सेपरेशन के बाद आया हो या जिस रीति से भी, आपको अपनी शिव शक्ति को बैलेंस रखना है। आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन है उनके लिए, लेकिन उसे शो मत कीजिए, क्योंकि यही बात है जो उनको फिर से भगा देता है। आपकी कोई भी कमजोरी, कोई भी वीकनेस उनके सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक ताकत हैं, वो स्ट्रेंथ है, वो जैसे हैं खुद वैसा ही आपको देखना चाहते हैं। और जब वो देखते हैं कि आप में कोई कमजोरी है, अभी भी आपके अंदर डिमांड है, डिज़ायर है, उम्मीद है, वहाँ से वो फिर चले जाते हैं। इसीलिए खुद पर काम करके इतना कंप्लीट कर लीजिए खुद को कि वो अगर सामने भी आए तो आप बैलेंस रहकर उनसे बात कर सके। जितने भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी साधना, अपनी तपस्या को पूरा कर रहे हैं, वो एक शक्ति के किरदार में हैं। और जब आप जानते हैं कि आप एक शक्ति के किरदार में हैं तो अपनी वैल्यू को जानिए, आपकी क्या कीमत है इसे पहचानिए। क्योंकि जिस दिन आप अपनी कीमत को जान लेंगे कि आप कितने मूल्यवान हैं, उस दिन पूरी दुनिया आपकी कीमत को पहचान जाएगी। स्वयं आपका डीन, आपका डीएम आपकी कीमत को पहचान जाएगा, उसे स्वीकार भी करेगा और इस कनेक्शन को मानेगा भी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद पर फोकस करें, खुद पर वर्क करें और अपने उस रियल फॉर्म को, जो आपकी पहचान है, जो आपका वजूद है, जो आपका अस्तित्व है, उसे आप प्राप्त करें। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।